Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सदन झा है और हम लोग इस श्रृंखला में आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों इतिहास धारा की बात करेंगे। आधुनिक भारत अर्थात 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश हुकूमत के दौर का इतिहास, जो अमूमन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ हम लोग जहाँ विश्राम देते हैं। हालांकि हम लोग स्वतंत्रता के बाद की भी कुछ बातें करेंगे इस श्रृंखला में, वह इसलिए भी क्योंकि जहाँ सामाजिक या आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं की बात है, इन सामाजिक या सांस्कृतिक आर्थिक इतिहास की बात है, वहाँ एक घटना जो महत्वपूर्ण तो होती है लेकिन हम उसके आगे पीछे सातत्य और निरंतरता की प्रक्रियाओं को पाते हैं। इसलिए हमें कुछ हद तक स्वतंत्रता उत्तर भारत की भी बात यहाँ करनी होगी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, यह इतिहास लेखन के ऊपर केंद्रित श्रृंखला है, तो यहाँ हम घटनाओं का जिक्र तो करेंगे लेकिन घटनाओं के इतिहास से अधिक हमारे चर्चा के केंद्र में होगा इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, अर्थात अतीत की घटनाओं का ज्ञान किस तरह से हमारे सामने आता है, उन घटनाओं की किस तरह से विवेचना की गई है, किस तरह के सवाल उठाए गए हैं, किस तरह के साक्ष्यों को सामने लाया गया है, और इसके इन सब में, चाहे वह सवालों को उठाने की बात हो या नजरिया की बात हो या साक्ष्यों की बात हो या मेथोडोलॉजी की बात हो, इन सभी में कैसे हम पिछले 200 साल में बदलाव पाते हैं, इनकी प्रवृत्तियां किस तरह से जहां अपने पहले के इतिहास लेखन से बहुत कुछ सीखती है, वहीं वह अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों के लेखन इतिहास लेखन के प्रति आलोचनात्मक भी रही है, और हमारे सामने इस तरह से इतिहास एक निरंतरता ज्ञान के निरंतर प्रवाह के रूप में सामने आता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता लेकिन इतिहास अर्थात अतीत की जो समझ है वह लगातार परिमार्जित होता रहता है, और इन्हीं सब का लेखा जोखा हम इस श्रृंखला में इतिहास लेखन की जब बात करेंगे तो करेंगे। अब देखिए, यहाँ जो आज की हम आज जो बात कर रहे हैं, आज का जो यह संवाद है, इसे आप एक भूमिका या पूर्व पीठिका मान सकते हैं। तो इसमें हम दो या तीन अहम मुद्दों पर संक्षेप में विस्तार करेंगे, जो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले इस श्रृंखला में जो संवाद हम करेंगे उसके लिए यह जमीन तैयार करने जैसी बात है। जैसे इतिहास लेखन
पर इतना जोर क्यों? इतिहास में इस इतिहास लेखन की क्या महत्ता है? दूसरी बात कि जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, इसके इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, तो यह जो आधुनिक या आधुनिकता की संकल्पना है, इस पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, बहुत बहसें हुई हैं और बहसें चल रही हैं। तो हम उस बहस में आगे आने वाले संवाद में यहां ये महत्वपूर्ण है कि यह जो आधुनिक शब्द है, इसका इतिहास क्या है और यह क्यों एक खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमारे सामने उभर कर आता है। यही वह दौर है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, जिसे औपनिवेशिक भारत भी कह सकते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के रूप में हमारे सामने आता है और इस स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास लेखन के भी अनेक पहलू हैं जिनसे हम रूबरू होंगे। तो दो मूल सवाल हमारे सामने आते हैं, एक तो इतिहास में इतिहास लेखन का महत्व और दूसरा ये जो आधुनिक युग या आधुनिक भारत, हम भारत के संदर्भ में आधुनिक भारत कहते हैं, तो ये जो एक कालक्रम की बात है, पीरियडाइजेशन की बात है, उसको हम कैसे देखें? हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, इतिहास लेखन की अहमियत। इतिहास अतीत का एक ज्ञान है। अतीत कई अन्य तरह से हमारे सामने आता है, जैसे लोक गीतों में, लोक कथाओं में अतीत संग्रहित होकर हमारे समक्ष आता है। स्मृतियां अतीत का वाहक होती हैं, उनके कंधों पर चलकर अतीत की समझ हम तक पहुंचती है। धरोहर, भग्नावशेष, स्मारक, इन सभी के माध्यम से अतीत, अतीत की छवियां और अतीत का ज्ञान हम पाते हैं। दूसरी तरफ देखें तो ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं जिनमें ऐतिहासिक साक्ष्यों का इस्तेमाल होता है, उनसे बेहद, जिसे कहते हैं आत्मीयता से और एक कड़ी लगन के साथ, उन साक्ष्यों के आधार पर ऐतिहासिक संवेदना के साथ ताने बाने बुने जाते हैं और उनके जरिए भी अतीत का ज्ञान हम तक पहुंचता है। जैसे यदि मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो अमिताभ घोष की 3 किताबें जो आइबिस ट्रिलॉजी के नाम से जानी जाती है, जैसे सी ऑफ पॉपीज आदि, तो ये किताबें, ये उपन्यास अफीम युद्ध की घटना
1840 के अफीम युद्ध के आसपास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखी गई है और इसके लिए साहित्यकार ने बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन किया और उस अध्ययन से उन्होंने इस उपन्यास के कथा सूत्र पिरोए और इस उपन्यास से हमें मध्य 19वीं सदी के ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का, समाज का एक बेहद दिलचस्प नजरिया मिलता है। लेकिन क्या ऐतिहासिक उपन्यास या फिर स्मृतियां या फिर स्मारक जो कि अतीत का ज्ञान तो हमें देती हैं, क्या इन्हें इतिहास माना जाए? इतिहास जब हम यहां बात कर रहे हैं तो एक अनुशासन की बात कर रहे हैं जिसके अपने मेथड हैं, जिसकी अपनी आधारभूत सिद्धांत हैं, भले ही ये सिद्धांत समय के साथ बदलते रहे हैं और इन संकल्पनाओं के आधार पर, अपने ज्ञान की परंपरा के आधार पर यह दूसरी विधाओं से अपने को अलग करता है। इस अलग करने के इतिहास की भी हम संक्षेप में चर्चा यहां करेंगे और वही कहीं न कहीं हमें इतिहास लेखन की तरफ ले जाता है, अर्थात इतिहास के बनने की कहानी। तो इतिहास और ऐतिहासिक उपन्यास दोनों में फर्क करना कम से कम यहां जरूरी है। मैंने अमिताभ घोष की बात की, हिंदी में पाठक बाणभट्ट की आत्मकथा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी एक अनमोल कृति है उससे परिचित होंगे, या फिर चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनेक ऐसी कृतियां हैं। लेकिन क्या उन्हें इतिहास का पर्याय मान लेना चाहिए? जब हम इतिहास के अनुशासन की बात करेंगे तो मैं दोहराऊंगा कि हमें फर्क करना होगा। तो एक तरफ तो हमें इतिहास और अतीत में फर्क करना होगा, जैसा मैंने कहा कि अतीत खुद चलकर हमारे सामने नहीं आता है, वह ज्ञान के या अनुभव के कई रूपों में हमारे सामने आता है और ऐसा ही एक रूप जो बहुत सारी विशिष्टता लिए हुए है वह इतिहास का रूप है। इतिहास के जिस रूप की बात हम पठन पाठन में करते आए हैं और जिसकी बात हम आज या इस श्रृंखला में करने जा रहे हैं, वह कोई बहुत पुराना नहीं है। वह 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ के दशकों में आकार लेता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और यह अनेक सभ्यताओं में, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में, अलग अलग रूपों में अतीत के ज्ञान को संजोने, संवारने की परंपरा हम देखते हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है कि यह महज यूरोप से ही हमारे सामने आता है। हम आगे
यूरोप केंद्रित इतिहास की बात और उसकी सीमाओं, उसके पीछे की राजनीति भी संक्षेप में चर्चा करेंगे, जो कि आधुनिकता की राजनीति के साथ और उस ज्ञान वांग्मय की राजनीति के साथ, उस मीमांसा की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हम देखें, भले ही महत जिक्र के रूप में ही क्यों ना हो, कि प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वो मेसोपोटामिया की बात हो या मिस्र की बात हो, जहां शासकों की सूची के रूप में, उन शासकों की उक्तियों के रूप में, फिर ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र, और इस तरह से अतीत के ज्ञान को संजो कर रखने की परंपरा हम पाते हैं। चीन में इसे शी के नाम से, तालबिशो दीर्घ इका शी के नाम से हम जानते हैं, जहां आरंभ में शी वस्तुतः उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता था जो राजा की उक्तियों को दर्ज करता था। समय के साथ यह उन दस्तावेजों के लिए प्रयोग होने लगा जो कि अतीत की घटनाओं का रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, दस्तावेज कह सकते हैं। और समय के साथ हम पाते हैं कि प्राचीन चीन में इतिहास लेखन की तरफ काफी गौर किया गया। मैं यहां इस संवाद की सीमाओं के कारण इन दिशाओं में बहुत विस्तार से जाने से परहेज करूंगा, लेकिन यह जान लेना जरूरी है। अब मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन के रास्ते यदि हम भारत की तरफ आएं, तो भारत में इतिहास को पांचवा वेद माना गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतिहास को इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, पुराण, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र, इन सब का मिलाजुला रूप माना गया है। और यहां भी कोई इतिहास का एक ही रूप हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन सभी सभ्यताओं में इतिहास जो ज्ञान के रूप में, जिस पर विवेचना मिलती है, जिसके संबंध में चेतना मिलती है, और इन चेतना, ऐतिहासिक चेतना या इतिहास लेखन, इन सब का हम आगे देखेंगे कितना महत्व है, और इन सब के ऊपर राजनीतिक दावेदारियां पेश की गई हैं और खारिज की गई हैं। तो प्राचीन भारत में भी चीन या मिस्र के तरह ही इतिहास का एक बहुत प्रबल नैतिक पक्ष रहा है, और ज्ञान
और नैतिकता दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध हम पाते हैं। भारत में इसके कई रूप और कई तरह की इतिहास वृत्ति हम देखते हैं। भारत में जहां वंशित पुराणों में सत्ताशील वंशों के सामाजिक स्थिति की जानकारी देता नजर आता है, वहीं बौद्ध एवं जैन परंपराओं में ऐतिहासिक घटनाओं को भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन के जीवन से जोड़कर देखने से भिन्न किस्म के ऐतिहासिक कालक्रम से हम रूबरू होते हैं। यहाँ जहाँ एक ओर एक बृहत्तर काल क्रम की बात की जाती है जो चक्रीय है, जहां युगों की बात हम पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ समय को बहुत सूक्ष्म इकाइयों में विभक्त किया गया है। भारत में जहां वंशानुचरित पुराणों में सत्ताशील वंशों के सामाजिक स्थिति की जानकारी देता नजर आता है, वहीं बौद्ध एवं जैन परंपराओं में ऐतिहासिक घटनाओं को भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन के जीवन से जोड़कर देखने से भिन्न किस्म के ऐतिहासिक कालक्रम से हम रूबरू होते हैं। यहाँ जहाँ एक ओर एक बृहत्तर काल क्रम की बात की जाती है जो चक्रीय है, जहाँ युगों की बात हम पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ समय को बहुत सूक्ष्म इकाइयों में विभक्त किया गया है, तो यहां साइक्लिकल टाइम, चक्रीय समय की चक्रीय अवधारणा और लीनियर टाइम, क्रोनोलॉजिकल टाइम दोनों ही हम पाते हैं। हम आगे इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम अंग्रेजों के इस दावे को सूक्ष्मता से परखेंगे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में न तो इतिहास लेखन की परंपरा रही और न ही ऐतिहासिक चेतना ही थी। उस संबंध में हम इस साइक्लिकल टाइम या क्रोनोलॉजिकल टाइम, इनकी अवधारणाओं और इसके महत्व को जानने का विस्तार से प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ कुल लगभग यह कि हर संस्कृति में, हर सभ्यता में अतीत के ज्ञान को संजोने की और उनके साथ गहन संवाद करने की, वैचारिकी की परंपरा हम देखते हैं। प्राचीन ग्रीस में जिससे हिस्ट्री शब्द आया है, तो वह जो उसका मूल शब्द था हिस्टोर, वह अतीत से अधिक किसी भी घटना को जानने की, उसके संबंध में जिज्ञासाओं की, जानकारियों की खोज की क्रिया को के लिए प्रयुक्त शब्द था।
कुछ जानने के लिए किया गया उपक्रम। हिस्ट्री शब्द का मूल उसी से जुड़ा हुआ था और वह आंखों देखी या प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ करता था। हेरोडोटस जब हिस्टोरिया का इस्तेमाल कर रहे थे तो हिस्टोरिया इस क्रिया जानने के इस उद्यम से बदलकर उस जिज्ञासा के उत्पाद, उस जिज्ञासा के फलस्वरूप जो कुछ रपट या दस्तावेज बनकर सामने आया उसके संदर्भ में हो गया। तो देखें, शब्द बदलते रहे हैं। पहले यह एक क्रिया ज्ञान की खोज, जिज्ञासा, वहां से बदलकर यह उस जिज्ञासा के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप उत्पन्न दस्तावेज एक रिकॉर्ड के रूप में आ गया। और समय के साथ इसका रूप बदलता रहा, फिर से समय के, हम अपने समय के मद्देनजर यदि विस्तार में न भी जाएं और पुनर्जागरण के काल में आए तो उस समय इतिहास की अवधारणा में हम आमूल परिवर्तन देखते हैं। एक तरफ तो इसे शिक्षा, विवेचनात्मक ज्ञान और नैतिकता के साथ जोड़कर देखा जाने लगा, वहीं दूसरी तरफ इसे आलोचनात्मक ज्ञान संपदा के रूप में उत्तरोत्तर प्रचलित किया गया। एक ऐसी संपदा जो अपने स्रोतों की विश्वसनीयता के प्रति अत्यंत ही सतर्क हो। ऐसे में इन दोनों नजरियों के मेल से, अर्थात नैतिक शिक्षा और स्रोतों की विश्वसनीयता, इन दोनों के मेल से इतिहास एक ऐसे विशाल ज्ञानकुंड के रूप में हमारे सामने आता है जो शैक्षिक नैतिक कहानियों से भरा पड़ा हो। इसके लिए एक लैटिन फ्रेज का इस्तेमाल हम पाते हैं, हिस्टोरिया मैजिस्ट्रिया वाइटेई। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ में इतिहास अतीत की घटनाओं एवं अतीत के अध्ययन तथा लेखन दोनों ही के लिए प्रयुक्त एक ही शब्द के रूप में हमारे सामने आता है, अर्थात अतीत की घटना और अतीत की घटनाओं का ज्ञान पहली बार दोनों एकजुट हो गए और इतिहास की नवीन संकल्पना उभर कर सामने आई। एक ऐसी संकल्पना जो कहीं न कहीं आज भी इतिहास के विमर्श के मूल में स्थित है। पहली बार कह सकते हैं कि अतीत को, चाहे वह घटना हो या फिर उसका अध्ययन हो, इतिहास ने समग्रता से और एकीकृत ज्ञान के रूप में हस्तगत कर लिया। इतिहास अतीत का आधिकारिक, वस्तुनिष्ठ और तार्किक पर्याय बन गया। इस हेतु इतिहास ने जहां अपने को माइमेसिस अर्थात घटनाओं के विश्वसनीय प्रस्तुति, माइमेसिस अर्थात नकल या प्रतिकृति, उससे जोड़ा, वहीं दूसरी ओर इसने साहित्य की अन्य विधाएं, उन्हें पोएसिस कहा, जिसमें काव्य या काल्पनिकता का, अलंकार का बोलबाला हो। लेकिन वस्तुनिष्ठता के तमाम दावों के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इतिहास की इस संकल्पना का कालखंड पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यवाद और उसके उपनिवेशवाद
के विस्तार का भी रहा है। इस साम्राज्यवादी मंसूबों और मनोवृत्तियों ने इतिहास के स्वरूप को, इसके सैद्धांतिक अधिकारों को, आधारों को और इसके नजरियों को स्वरूपित किया है, जिसे हम तटस्थ और वस्तुनिष्ठ कहकर स्वीकारते रहे हैं। वह दरअसल सत्ता, ज्ञान और उपनिवेशवाद का मिला जुला एक अद्भुत समन्वय है। इतिहास लेखन इन मिश्रण के घटकों की पहचान कराने में हमारी मदद करता है। इतिहास के बनने के पीछे की राजनीति और उसकी वैचारिकता की कहानी कहता है। इसे आप इतिहास की कहानी कह सकते हैं, एक ऐसी कहानी जिसके बगैर इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता। यह इसलिए भी कि इतिहास सदैव ही अपने से पहले लिखे ज्ञान को दोहराने के बदले उसकी आलोचना के द्वारा ही आगे बढ़ता है। यह आलोचना और आलोचनात्मक नजरिया इतिहास के ऐतिहासिक नजरिए के, ऐतिहासिक दृष्टि के केंद्र में आप कह सकते हैं। यहाँ यह भी दिलचस्प है और यह एक संयोग भी कह सकते हैं कि इतिहास की जिस आधुनिक संकल्पना की बात हम कर रहे हैं, जो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ में यूरोप में आकार ले रहा था, यह वही काल है जो हमारे इस श्रृंखला के संवाद का भी पीरियड है। इसे हम आधुनिक काल के रूप में जानते हैं, आधुनिक भारत के संदर्भ में यह संवाद करेंगे। तो ऐसे में आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी हो जाता है कि कुछ देर ठहर कर इस शब्द आधुनिक काल पर विचारें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आधुनिकता एक बेहद संश्लिष्ट संकल्पना है। हम उसकी जटिलताओं की तरफ उस विमर्श में यहाँ नहीं प्रवेश करना चाहते हैं। यहाँ हमारा सरोकार आधुनिक काल से है। तो यहाँ जो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ, जिस तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, वह यह है कि आधुनिक काल की ऐतिहासिकता क्या है, यह हमें किस दिशा में ले जाए। जब हम आधुनिक काल की ऐतिहासिकता की तरफ देखते हैं तो पुनर्जागरण, यूरोपीय पुनर्जागरण की तरफ उस दिशा में हम मुखातिब होते हैं। पहली बार यूरोप में प्राचीन काल में, प्राचीन काल को एक गौरवमय अतीत के रूप में देखा जाने लगा। ज्ञान या नए मानव की खोज, ह्यूमनिज्म जिसको कहते हैं, उसकी तलाश विद्वानों को, कलाकारों को, दार्शनिकों को प्राचीन यूरोप की तरफ ले गया और उसे क्लासिकल पीरियड के रूप में देखा जाने लगा। पुनर्जागरण, जैसा मैंने कहा, नए मानव की खोज थी। यह अंधविश्वास के ऊपर तर्क, अंधकार के ऊपर प्रकाश के विजय के रूप में भी देखा जाता रहा, खासकर उस समय के विद्वानों द्वारा। तो एक बात जो उभर कर सामने आई कि जहां प्राचीन काल गौरवमय अतीत था, वहीं ठीक प्राचीन और पुनर्जागरण के बीच का वह अंधकारमय युग के रूप में इन मानववादियों के सामने आया। एक ऐसा यूरोप जो
धर्म युद्ध से ग्रस्त था, जहां अंधविश्वासों का बोलबाला था, और इन्हीं पर विजय के लिए तर्क की बात की गई, विज्ञान की बात की गई। तो 14वीं सदी के शुरू से ही हम दो तरह के शब्द देखते हैं, टेम्पोरा एंटीक और टेम्पोरा नोवा। यूरोपीय कला और सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में हम जियोवानी बोकासियो के अध्ययन को पाते हैं, जिन्होंने वसारी के चित्रों में, पेंटिंग्स में कालक्रम की बात की। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जो 14वीं सदी के एक जाने माने ह्यूमैनिस्ट हुए, उन्होंने अंधकार युग और पुनर्जागरण कालीन उनके समय के बीच फर्क को रेखांकित करते हुए उस समय को, पुनर्जागरण के समय को जिज्ञासा के काल के रूप में बताया, और उसे अंधकार के युग की तुलना में उनके बीच के विरोधाभास को सामने लाया। लेकिन अब भी इतिहास के अध्ययन में और उस ज्ञान वांग्मय में कालखंड का त्रिपक्षीय तीन भागों में विभाजन होना अभी बाकी था, और यह पहली बार 17वीं सदी के मध्य में क्रिस्टोफ केलर या सेलारियस के द्वारा हुआ, जब उन्होंने यूरोपीय इतिहास को तीन भागों में विभाजित, एज ऑफ इनलाइटनमेंट जिसे प्रबुद्ध काल कह सकते हैं, वहां कालक्रम का प्रश्न वैचारिक और बौद्धिक धरातल पर व्यापक चर्चा का विषय बना, और वॉल्टेयर ने इसे आधुनिकता के साथ भी जोड़ा, प्रबुद्ध काल। तो 17वीं सदी के मध्य से हम आधुनिक काल का अधिकाधिक उपयोग पाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने इस पीरियडाइजेशन को एक नया आयाम दिया, जब क्रांति से पूर्व और क्रांति के बाद के काल को, युगों को अंतर किया गया, और यहाँ क्रांति से पूर्व की राजनीतिक संरचना, सामाजिक संरचना, मान्यताएं व कालखंड, हर कुछ को जहाँ ऑनसियन रेजिम की संज्ञा दे दी गई, वहीं फ्रांसीसी क्रांति आधुनिकता के लिए विभाजक रेखा के रूप में हमारे सामने आती है। तो इस तरह से हम 17वीं सदी, 18वीं सदी में यूरोप में एक आधुनिकता की, आधुनिक काल, आधुनिक युग की संकल्पना पाते हैं, जिसका उत्तरोत्तर प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन यहाँ यह भी गौर करने की बात है कि क्या यह कालक्रम हर जगह एक जैसा रहा? इसका इतिहास में महत्व तो है ही, जिस पर आगे हम और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हम इतिहास में समय की संरचनाओं की व्याख्या करते हैं, और समय कालखंड का फ्रेम एक अहम मुद्दा होता है ऐतिहासिक विवरणों में, हमारे इतिहास के ज्ञान में, उनके बनने में। लेकिन इसके कई जटिलताएं भी हैं, जिसकी तरफ विद्वानों ने समय समय पर ध्यान दिलाया है। जैसे क्या समय को एकीकृत खांचे में हम बांट सकते हैं, और ये जो समय की एक रेखीयता है, जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, यह सामाजिक या राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों को समझने में कितना सहायक है। जैसे फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, द प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में अर्थव्यवस्था को और संपत्ति की संकल्पना के उदय को ऐतिहासिक परिवर्तन, ऐतिहासिक युगों के बीच के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हुए स्थापित किया। तो वहाँ अर्थव्यवस्था परिवर्तन के मूल में है। इसी तरह 20वीं सदी में फ्रांस में
एक बेहद प्रभावशाली ऐतिहासिक विचारधारा या आप ऐतिहासिक स्कूल कह सकते हैं, इतिहास लेखन की एक परंपरा विकसित हुई जिसे एनाल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ समय के क्रोनोलॉजिकल पीरियड्स के स्थान पर सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों या पर्यावरण संबंधी सरोकारों पर अधिक बल दिया गया। इसके एक अध्येता फर्नैंड ब्रॉडेल ने समय और समय की संरचना को बेहद अलग तरह से व्याख्यायित किया। हम अभी बेहद अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ फर्नैंड ब्रॉडेल जब समय को व्याख्यायित कर रहे थे तो वहाँ यह बेहद लंबे कालखंड और बेहद छोटे कालखंडों में भी हमारे सामने विभक्त होकर आता है। यह नहीं कि 100 साल या 50 साल, तो समय की परिमाणात्मक इकाई के बदले उन्होंने एक नवीन संकल्पना पेश की। जैसे उन्होंने समय को के एक खंड को जियो हिस्ट्री कहा, भौगोलिक इतिहास आप कह सकते हैं, एक ऐसा कालखंड जहां मानव गतिविधियां बेहद नगण्य रही और जहां जियोलॉजिकल भूगर्भीय परिवर्तन व्यापक कालखंडों में होता रहा। तो इस तरह से अलग समय को व्याख्यायित करने का, काल क्रमों को व्याख्यायित करने का, स्वरूपित करने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि किसी कालखंड के एकीकृत स्वरूप प्रकृति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए, जैसे नारीवादी चेतना के उदय के साथ, नारीवादी इतिहास के उदय के साथ यह प्रश्न उठाया गया कि जैसे पुनर्जागरण के संदर्भ में कहें कि क्या पुनर्जागरण स्त्रियों के लिए भी था, अर्थात एक ही कालखंड, एक ही ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक प्रक्रिया उसी समाज के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती रही है। ऐसे में किसी भी कालखंड को एकीकृत रूप से देखना कितना उचित होगा। अभी पिछले दो दशकों में ऐतिहासिक कालखंड समय को देखने की के लिए एक नई संकल्पना से हम रूबरू हो रहे हैं, जिसके लिए एंथ्रोपोसीन शब्द का व्यवहार किया जाता है कि हम जिस समय में रह रहे हैं, जो मानव समाज और विज्ञान के साथ उसके संबंधों के कारण पर्यावरण या पृथ्वी के इतिहास, सभ्यता के इतिहास को बेहद मानीखेज तरीके से प्रभावित कर रहा है, यह हमारा वर्तमान का समय एंथ्रोपोसीन के रूप में व्याख्यायित किया गया। और इसे पहले यूजिन एफ स्ट्रोमर ने 1980 के दशक में इस संकल्पना को हमारे सामने लेकर आए, और फिर पीटर पॉल जे क्रुजन ने एक आलेख के द्वारा इसे प्रचलित किया। और आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, तो उस समय एंथ्रोपोसीन की संकल्पना काफ़ी चर्चे में है। तो हमने देखा है कि इन संकल्पनाओं का हमारे इतिहास दृष्टि में, इतिहास लेखनी में, इतिहास को जिस तरह से हम इतिहास में अतीत को लेकर, अतीत की घटनाओं को लेकर जिस तरह से सवाल उठाते हैं, उन सब पर इनका प्रभाव होता है। और इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम इन संकल्पनाओं को ठहर कर इनको गहराई में सोचें। समाप्त करने से पहले दो जरूरी स्पष्टीकरण या हिदायत जो भी कहें, उनका संक्षेप में उल्लेख करना जरूरी है। पहला तो यह कि हम यहाँ आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत
भारत के संबंधित इतिहास लेखन की बात करेंगे, या इसलिए भी कि हम यहाँ आधुनिक भारत में जो इतिहास लेखन के सरोकार रहे हैं उन सभी सरोकारों पर चर्चा नहीं करें। आधुनिक भारत का जो यह कालखंड है पिछले 200 साल का, यहाँ पुरातत्व को लेकर बहुत सारी बातें हुई, यहाँ प्राचीन काल और मध्यकाल को लेकर विमर्श रहा है, बेहद विचारोत्तेजक लेखनी रहे हैं, लेकिन उन सब के बारे में विस्तार से जानना संभव नहीं होगा। इसीलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम उस इतिहास लेखन की बात करेंगे जो इन 200 सालों के ऊपर प्रकाश डालता है। दूसरी बात कि इतिहास लेखन और इतिहास दृष्टि दोनों के बीच बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन दोनों दो अलहदा बात। 18वीं सदी के अंत 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेजी शासक साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया कि भारत में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी, और उन्होंने इसी के साथ यह आरोप भी लगाया कि यहाँ इतिहास दृष्टि नहीं थी। तो बाद के सालों में इन आरोपों का राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने और प्रोफेशनल हिस्टोरियंस ने खंडन किया और दिखाया कि भारत में इतिहास दृष्टि भी थी और इतिहास लेखन भी था। तो दोनों ओवरलैप भी होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, और हम इस श्रृंखला में अपना ध्यान इतिहास लेखन पर केंद्रित रखेंगे। इतिहास दृष्टि, इतिहास चेतना की बात जहां जरूरी होगी वहां स्वाभाविक रूप से हमारे चर्चा में शामिल होगा। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। शुक्रिया। I'm Chitwan Lalji, a PhD student of Health Economics under the supervision of Dr. Debayan Pakrashi from the Department of Humanities and Social Sciences, IIT Kanpur. In one of my essays, I'm interested in understanding the relationship between consumption of fruits and vegetables and various health indicators. Health indicators, both subjective and objective health indicators like mental health, self-assessed health, various measures of blood pressure and various measures of cholesterol. Measures of blood pressure like systolic and diastolic BP, you have your incidence of high BP, MAP, and incidence of high MAP. And as far as cholesterol is concerned, I have tried to concentrate more on total cholesterol, good cholesterol, and incidence of high cholesterol. Now, before I go on to what have been my major contributions and various policy implications, I would like to briefly tell you about the policy initiatives of WHO and various countries. The WHO, that is the World Health Organization, it started with a campaign of 5 a day. That is, you should have 5 portions of fruits and vegetables per day. That would be approximately, you could say, 400 grams of fruits and vegetables. Now, a portion, before we go further, I'll just tell you what exactly is a portion. One portion is equivalent to a medium-sized apple or one small glass of fruit juice, which is approximately 150 milliliters. And maybe 3 teaspoons of vegetables. So the WHO went with a 5-a-day campaign, which was further taken up by various countries. Countries like UK, Netherlands, Germany, Norway, they adopted the 5-a-day policy, while some went for expansionary dietary policies like France, Australia, Canada, Denmark.
So, for example, Australia, it went for go for 2+5 policy, in which it said that you should consume two portions of fruits and 5 portions of vegetables per day. And USA went for a policy of fruits and vegetables, more matters. That is, you must consume more and more fruits and vegetables. Now, irrespective of these expansionary dietary policies and dietary propagations, it has been found that only 28% of women and 25% of men, they actually meet the recommended dietary norms of 5 a day portion. So, the major contribution of my work is firstly to find an association between fruits and vegetables, whether there exists a relationship between fruits and vegetables and health indicators, and if there exist, whether due to heterogeneity in the data. So, I will be doing it according to age, by gender and by your weight. So, apart from that, I will go for policy recommendations in which I am basically studying how much fruits and vegetables matter. Apart from that, which type matters more. So, for that, I have taken data from the Health Survey of England. Health Survey of England is an annual survey which takes data, which conducts information regularly on demographic and socioeconomic characteristics. You have your lifestyle behaviors like an individual smokes or doesn't smoke, alcohol consumption, you have your sedentary and physical activities, and you have various health indicators also which have been collected. So, before I go on to what exactly is my research, I would like to concentrate more on fruits and vegetables, like what kind of questions were asked in the survey. Questions like, what kind of fresh fruit do you eat? Did you eat any dried fruit yesterday? Don't count dried fruits in cereals, cakes. Apart from that, for vegetables, they asked how many tablespoons of vegetables did you eat yesterday? So, approximately after this whole survey was conducted, data was converted into portions of fruits. And like for example, three tablespoons of vegetables is equivalent to one portion. So, data was converted and provided to the users, that is us, from the UK Data Health Survey. So, the major contributions of my paper is that I found a strong negative association between intake of fruits and self-assessed health, then various measures of blood pressure like mean arterial pressure, high mean arterial pressure, high blood pressure, systolic and diastolic BP, and your total cholesterol. Apart from that, I have found a strong positive association between consumption of vegetables and good cholesterol. So, it is recommended in a way that if you want to control your blood pressure, you must consume more and more fruits. And as far as vegetables are concerned, they impact your good cholesterol. Apart from that, I went in for a falsification test. A falsification test is basically conducted to know whether the model that you have adopted and the conclusions that you are drawing are not spurious. So, if a falsification test is done to know, in a way, it is tested by seeing an indicator, a health indicator, which is not being impacted by your consumption of fruits and vegetables. And then we see whether there is significant result or not. If there is no significant result, that means your model is good and your results are non-spurious. So, what we did is for falsification test, we took ear complaints and infectious diseases. Now, ear complaints like if you are deaf since birth or you have some kind of imbalance, body imbalance, that is not being impacted by your consumption of fruits and vegetables. And we did find insignificant results. Apart from that, infectious diseases like HIV, AIDS, etc., we found similar insignificant results, indicating that our results are non-spurious. Apart from that, we went, since there was a lot of heterogeneity in the data, like by gender, by age, and by weight, we did the regression analysis. We found results which stated that as far as fruits are concerned, it impacts a male's health more than a female's health. So, it is basically said a man should consume more fruits to impact his health, whereas as far as vegetables are concerned, they impact a women's health more. But this has been only seen as far as cholesterol is concerned, the various measures of cholesterol like total cholesterol, good cholesterol, and your incidence of getting high cholesterol. Now, after this, we went in for a policy implication, and in the policy implication, we tried to find two policy implications: what matters and exactly how much portion matters. So, as far as how much portion matters, we have found that on an average, 5 or more portions of fruits impact your overall health, that is your self-assessed health, your MAP,
your incidence of high MAP and incidence of high BP. But if you want to have a good mental health, so you can optimize your mental health by consuming 3 or 4 portions of fruits as well. And similarly, as far as self-assessed health and total cholesterol is concerned, an individual must consume 4 to 5 portions to optimally have the impact of consumption of fruits. Apart from that, vegetables have had a very little impact on your health. It only impacts your incidence of getting high MAP and high BP. And it's seen that only it impacts when you consume 5 or more portions of fruits. So an optimum consumption of 5 or more portions of fruits and vegetables are recommended. But fruits have a more impact on your overall health, on various measures like self-assessed health, mental health, your various measures of blood pressure and various cholesterol levels. Another thing that we find is which type of fruit matters. It has been seen that all size fruits, they impact your self-assessed health, your systolic and diastolic blood pressure, your mean arterial pressure, your high BP and incidence of getting high MAP and high cholesterol. But we find that as far as frozen fruits or canned fruits are concerned, they help in regulating your incidence of getting high MAP or high BP, but it has a trade-off. That means there is something negative happening. It reduces the good cholesterol in your body. Apart from this, if you have an incidence of getting high cholesterol, it is recommended that you must consume fruit juices because it has a impact in reducing your probability of getting high cholesterol. And dried fruits, they impact your self-assessed health. As far as vegetables are concerned, very little impact has been seen. It has only been seen in case of portion of salads and its association with self-assessed health. Another thing that they have seen is vegetables in composite, they have an association with good cholesterol. So overall, my research basically says that there is an association between consumption of fruits and vegetables and various health indicators. And it is highly recommended that an individual, in order to be healthy, must consume 5 or more portions of fruits and 5 or more portions of vegetables per day. But fruits have a more impact on your overall health. Apart from that, all size fruits, they have a better impact on your overall health, your mental health, various measures of blood pressure and cholesterol. So, thank you. Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school and or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.